अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है चिकन नहारी। चिकन की नहारी भी उतनी ही अच्छी और टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होती है जितनी कि बीफ और मटन की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक वोक लिया है और उसको फ्लेम पर रख दिया। उसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है नहारी में। जब ऑयल गर्म हो गया तो मेरे पास 750 ग्राम चिकन था, वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। अब यहाँ मैंने 1 पैकेट नहारी मसाला ऐड कर दिया है, ये शान का नहारी मसाला है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, जो कि सौंठ जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर ऐड कर दिया है। और मिर्चें मुझे थोड़ी तेज़ रखनी थी तो 1 टीस्पून वो मैंने ऐड कर दिए। 1 बड़ा टमाटर मैंने ग्राइंड करके वो ऐड कर दिया है। 1-2 मिनट तक मैंने टमाटर के साथ इस चिकन को भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के वो ऐड कर दी। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पर आधा घंटे तक पकाया है, जब तक कि चिकन टेंडर नहीं हो जाता है। इसमें जूलियन कट अदरक ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने 4 टेबल स्पून आटा ले लिया है और उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है। रोस्ट मुझे बस थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं। अब 1 कप पानी लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में मिलाएंगे और 1 पतला घोल बना लेंगे। अब नहारी के ऊपर का जो तार था वो हमने उतार कर इसको रख लिया है बाद के यूज़ के लिए। अब मैंने एक स्ट्रेनर को पतीली के ऊपर रख दिया है और जो आटे का घोल बनाया था उसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, ताकि जो लम्स हैं वो ऊपर ही रुक जाएं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बोटियाँ जो है टूटने ना पाएँ। इस तरह से चम्मच से चलाना है। जब ये 1 बॉयल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम 1 प्याज को पतली पतली स्लाइस में काट लेंगे और उसको फ्राई करके इसके ऊपर से बघार लगा देंगे। अब हमने जो तार उतार कर रखा था, थोड़ा सा तार मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और कुछ तार मैं बचा के रख लूंगी सर्व करते वक्त, उस वक्त यूज़ करूँ। अब नहारी हमारी बनकर तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और जो मैंने तार निकाल कर रखा था इसको मैंने ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब सर्व करते हुए गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक वो ऐड करेंगे। आप इस तरह से चिकन की नहारी एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप खुद ही देखिए यहाँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको बता नहीं सकती है कितनी टेस्टी बनी। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।